शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धनुरासन। पेट के बल लेट जाइए, पैरों को घुटनों तक ऊपर की तरफ मोड़िए, हाथों से अपनी एड़ियां पकड़िए, श्वास अंदर लेते हुए अपने शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए, वजन आपके पेट पर पड़ना चाहिए। इस स्थिति में जितनी देर संभव हो रुकें। आंखें बंद रख अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए दाहिनी कोहनी को बाएं हाथ की हथेली पर रखें। सांस रोककर दूसरे नाक को अंगूठे से बंद करें, बाएं नाक से श्वास छोड़ें। दाहिनी हथेली की पहली उंगली और अंगूठा साथ लाएं, बाईं तरफ की नाक को दाहिने हाथ की दूसरी और तीसरी उंगली से बंद रखकर दूसरी तरफ के नाक से गहरी सांस लें। बाएं नाक से श्वास ले, अब दोनों नाक को बंद कर दें, दाहिने नाक से गहरी और लंबी श्वास लें। दोनों नाक बंद रखकर इस स्थिति में कुछ पल रुकें। बाएं नाक खोलते हुए श्वास छोड़ें। प्राणायाम योग क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपके मन को शांत रखता है, गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में स्फूर्ति लाता है। भस्त्रिका प्राणायाम। पद्मासन में बैठ जाएं और तेज सांसें अंदर बाहर लें।
भस्त्रिका प्राणायाम, ये आपके मन को शांत रखता है, गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में स्फूर्ति लाता है। ये क्रिया 2 मिनटों तक करें। ताड़ासन आपकी पीठ की मसल्स को मजबूत बनाता है। इसको करने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इस क्रिया को 5 बार करें। तिर्यक ताड़ासन, ये आसन कमर व सीने का भार कम करते हैं, आपकी पीठ की मसल्स को मजबूत बनाता है। इस क्रिया को 10 बार करें। पादहस्तासन, ये रक्त प्रवाह बढ़ाता है, ये आसन वजन कम करने, हृदय को स्वस्थ रखने में लाभकारी है। इसके द्वारा दमे के रोगियों को राहत मिलती है। त्वचा की चमक बढ़ाने में ये उपयुक्त है। इस क्रिया को 5 बार करें। भुजंगासन, आपकी पीठ की मसल्स को मजबूत बनाता है, आपके कंधे भी मजबूत बन जाते हैं। इस क्रिया को 10 बार करें। सर्वांगासन, ये मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है एवं संपूर्ण शरीर को कांतिमय बनाए रखने में मदद मिलती है। ये आसन स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, इससे चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है। इस क्रिया को 5 बार करें। धनुरासन, ये आसन पेट को पतला करने एवं कब्ज दूर करने में उपयुक्त है। इस आसन को करने से पीठ तथा गर्दन का दर्द दूर करने में लाभकारी है। इस क्रिया को 4 बार करें। प्राणायाम योग क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये आपके मन को शांत रखता है, गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में स्फूर्ति लाता है। इस क्रिया को 5 मिनटों तक करें। भस्त्रिका प्राणायाम, ये आपके मन को शांत रखता है, आपके सिस्टम को साफ रखता है। इस क्रिया को 2 मिनटों तक करें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पादहस्तासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, धनुरासन, प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। एस्थमा यानी दमे के लिए आहार नियंत्रण, पल्मोनरी सिस्टम अथवा सांस लेने की क्रिया के सही परिचालन के लिए जरूरी आहार बहुत महत्वपूर्ण है। सही पोषण ना मिलने के कारण फेफड़ों की क्रिया, श्वास की क्रिया तथा कार्य करने की क्षमता, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दमाग्रस्त व्यक्तियों यानी एस्थमेटिक्स को रोग को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। असंतुलित आहार से आप अस्वस्थ होते हैं, जिससे दमे की तकलीफ और बढ़ जाती है। दमे के लिए सही आहार ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी डिफेंस बढ़े। खान पान से जुड़ी जरूरी बातें, हमेशा उचित व संतुलित भोजन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां तथा फलों का सेवन करें।
कुकिंग ऑयल तथा एनिमल फूड्स निर्धारित मात्रा में उपयोग करें तथा वनस्पति घी मक्खन का उपयोग उचित मात्रा में करें। एक्सेस वेट तथा आलस्य को दूर करने के लिए अधिक खाने की आदत से परहेज करें। नमक का उपयोग उचित मात्रा में करें। अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए एवं पेय पदार्थों का सेवन संतुलित करना चाहिए। प्रोसेस्ड एवं रेडी टू ईट फूड्स का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। शक्कर का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पाद हस्तासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, धनुरासन, प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, तो जैसा कि अभी आपने देखा, दमे की परेशानियों से बचने के लिए और चैन की सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है अपनाना योग को।